आज मैं एक ऐसे स्टूडियो को रिव्यू करने जा रहा हूं, एक ऐसे स्टूडियो के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं जीवन में कभी नहीं चाहूंगा कि वो रिव्यू मैं आपके स्टूडियो का करूं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे कस्टमर जिनका कुछ ही महीनों पहले हमने एक सेटअप लगाया, आज वो जल के राख हो चुका है कुछ ही गलतियों के कारण। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर शहर के एक छोटे से गांव से बिलोंग्स करता हूं। और आप लोग जानते ही होंगे कि ऑनलाइन क्लास कराने के लिए बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत होती है। बच्चे के सहयोग से मैंने अपना ऑनलाइन सेटअप जैसे डिजिटल बोर्ड, कैमरा, सीपीयू, मॉनिटर, लाइट और भी बहुत सारे माइक वगैरह सब कुछ लगवा लिया। आज से लगभग 2 महीना पहले यह सब काम मैंने करवा लिया था। मैंने बच्चे को बिल्कुल फ्री एजुकेशन देने का वादा किया था, परंतु आज सुबह जब मैं अपने कोचिंग पर गया तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरा सारा सेटअप जिसमें बोर्ड, कैमरा, लाइट, पंखा सब जल चुका था। अब मेरे लिए ऑनलाइन आना तो दूर की बात हो गई, ऑफलाइन पढ़ाना भी मुश्किल हो गया। अब वो गलती क्या है वो आपको बता दूं कि कैसे आग लग गई पूरे स्टूडियो में, क्या उसका सॉल्यूशन है। और इस वीडियो में मैं आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से एक मदद मांगने वाला हूं। वो मदद आप मेरे लिए ही समझो, क्योंकि वो मेरे अपने कस्टमर है। मैं भी जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं आगे बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है इस वीडियो में कि आपको क्या करना है कि आपके स्टूडियो में आग ना लगे। दोस्तों, आपके पास लाखों रुपए हो पर जिस दिन 100 रुपए की भी चीज जलती है ना, बहुत बुरा लगता है। तो पूरा का पूरा क्लासरूम, हाइब्रिड क्लासरूम जल के राख हो जाए तो सोचो क्या बीतती है। तो आग क्यों लगी ये हम डायरेक्टली उनसे फोन पे जानते हैं। 2-3 दिन पहले मैं क्योंकि बाहर था तो मेरी टीम को कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे कि कुछ हेल्प करिए, या आप देख लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज है। उन्होंने वीडियोस भी भेजे, ये कुछ वीडियोस हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली उनको फ़ोन लगा लेता हूँ और उन्हीं से पहले रीज़न जानता हूँ। और जिस हिसाब से उन्होंने वीडियो भेजे है, मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ में कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। अब मैं इनको एक बार फ़ोन लगा लेता हूँ। नमस्कार सर, आकाश सावकारे बात कर रहा हूँ एजुस कोर्ट से। जी नमस्कार सर। आपका मैसेज मैंने देखा, मेरी टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया आपके स्टूडियो में आग लग गई है सर, जहाँ तक मुझे। जी सर। सर पहले तो सुन के काफी बुरा लगा। सर मैं अभी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आप लाइव है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे चैनल के लिए, तो आप अलाउ करेंगे मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए सर क्या हुआ है, आग कैसे लगी सर? सर हुआ क्या, परसों सुबह में 6 बजे से मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, तो उस दिन बारिश हो रही थी तो मैं गया नहीं कोचिंग पे। हाँ जी। और सुबह 7 बजे कुछ लोग का कॉल आया कि आपके कोचिंग में आग लग गया। जब कोचिंग पे मैंने गया तो वहां पर देखा कि मेरा सारा सेटअप जो था, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, सीपी मॉनिटर, इन्वर्टर, उसमें एक लैपटॉप भी मेरा था जिसे सीपीटी वगैरह बनाते थे, तो सारा चीज जलकर राख हो गया। और देख के क्या बताए सर। नहीं, मैं आपके दुख को भली भांति से समझ सकता हूँ और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका रीजन भी वो है। सर आपने मुझे लिखा है मैसेज में कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, क्या मदद कर सकता हूँ मैं, आपके टाइम पे मुझे बताइए। क्योंकि देखिए, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी चीजें जली है उसको मैं रिपेयर करवा दूँ, तो सर आग लगने के बाद में तो रिपेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। जी सर। तो फिर भी मैं जो आपकी मदद कर सकता हूँ, और मेरे व्यूवर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मदद आपकी हो सकती है जी। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सर, क्या हो सकता है। पहले तो ये बताइए सर कि ये जो आपने सेटअप लगाया, आपने ये का आपका कोचिंग काफी अच्छा था या फिर आपकी कुछ सेविंग को इन्वॉल्व करते हुए लगाया सर? सर मेरे इसमें 3 या 4 साल का मेरी इनकम था, इसमें कोई बड़ा कोचिंग नहीं है। एक मध्यवर्गीय कोचिंग था, फिर भी जैसे जैसे करके मैंने इसमें सारा सेटअप लगवाया था जिससे बच्चे को पढ़ने में आसानी हो या मुझे भी ऑनलाइन आने में आसानी। क्या क्या एज है सर आपकी? सर मेरा एज 27 है। 27 है जी। मतलब स्टार्ट करे कुछ ही समय हुआ है आपको? सर अभी
अगले नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करना था ऑनलाइन, अभी तो समझते हो इंट्रोडक्शन ही वीडियो उस पर है, चैनल पर डाला गया था। सर एजुस्पॉट से आपने सेटअप कब लगवाया था सर, मुझे थोड़ा सा ऐसी इन्फॉर्मेशन दीजिए ना एक बार, और आपका जो बिल है मुझे बिल भी शेयर करिएगा। जी जी, तो आप सर आज से वही डेढ़ या दो महीना हुआ होगा। हाँ हाँ जी, डेढ़ या दो महीने पहले लगाया था। चलिए सर, मैं अभी आपका फोन होल्ड पे रख रहा हूँ और आपसे फिर कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको फिर कॉल बैक करता हूँ, एक बार फिर कनेक्ट करता हूँ, है ना। फिर हम उस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये समझ में आ गया कि रीजन क्या था और कैसे एक टीचर पैसे सालों की चार साल की मेहनत को जोड़ के एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जाता है, लाखों का सेटअप लगाता है पर वो जल जाता है। सॉल्यूशन की बात मैं आगे आपसे फिर करूंगा, बट आज मैं आपसे एक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपने इतना दिया है कि जो कुछ है सब आपका दिया है, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। वो है कि मैं आपको सर का गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर आपको देना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितना आपसे बने, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000, 5000, जो आपसे बने आप वो दीजिए, सपोर्ट करिए, टीचर कम्युनिटी को सपोर्ट करिए। एजुस्कॉट क्या करेगा सपोर्ट में तो मैं आपको बताता हूं, मैं सर को भी कॉल पे लूंगा और उसी में बताऊंगा। मुझसे जो बनेगा वो मैं करूंगा, मैं एक बार फिर कॉल कर रहा हूं उन्हें और मैं उन्हें पहले ये बताता हूं, उनसे गूगल पे नंबर लेता हूं, थ्रू आउट द वीडियो आपका वो नंबर चलेगा, मैं उनसे गूगल पे नंबर लेता हूं और एजुस्कॉट क्या करेगा मैं आज उनको यहां पर कमिटमेंट देता हूं। हेलो जी सर, सर दो मिनट में आपसे जानना चाहूंगा, आपका गूगल पे नंबर आप मुझे दीजिएगा, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट आप मुझे दीजिएगा, जितने आपकी स्टूडियो की नीड होगी वो नीड मैं फुलफिल कराऊंगा जी सर, है ना, जितना हो सकता है, जितना मुझसे बन सकता है। तो आपका गूगल पे नंबर दीजिए सर, फोन पे नंबर है, चले काम। हाँ जो भी है सर, आप गूगल पे फोन पे दे दीजिए जी, फोन पे नंबर है सर मेरा 9572992992992992272 जी सर। सर देखिए ये नंबर है, संजू पैच में भी चला देना, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी अकाउंट डिटेल भी मुझे दे दीजिएगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बिलीव करिए, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है पर जस्ट टू ट्रस्ट कि अभी आपके अकाउंट में कितना अमाउंट है उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे और जो अकाउंट नंबर आप मुझे दे रहे हो उसका भी स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे। जैसे ही आपकी नीड फुलफिल होगी हम इसको इस वीडियो के सेक्शन को ब्लर कर देंगे नंबर को और मैं जो यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ वो सेक्शन भी ब्लर कर दूंगा, तो आपको जो सहायता होगी पूरी होगी। ये तो हमारे यूजर जो करेंगे, जो शिक्षकगण करेंगे, मैं अपनी तरफ से आपको ये वो दे रहा हूँ कि आपने मुझसे 4K PTZ कैमरा जो लिया था वो कुछ 80,000 का था, अब नया जो 4K PTZ कैमरा मैं आपको दूंगा वो 40,000 में दूंगा, जो पैनल होगा वो पैनल मैं आपको 1,05,000 रुपए में दूंगा, ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपको जो आपका सिस्टम है जी, जो 60,000 वाला सिस्टम है मैं आपको वो 50,000 में दूंगा। मैंने आपके चैनल पे भी वीडियो देखा है, वहां पे आपने कुछ हेल्प ली, उससे भी कुछ अमाउंट आया है आपके पास में? जी सर, है ना, कितना अमाउंट आया है? सर 20-25,000 रुपया, 25,000 मान के चलिए आया है, 25,000 रुपया आपको वहां से भी सहायता मिली है। तो देखिए जितनी सहायता आपको मिली है वो कुल राशि जोड़ के मेरे जो 1,00,000 का मैं अमाउंट आपको बता रहा हूँ वो जोड़ के जितना अमाउंट बचेगा उसको भी आप मंथली मुझे पे करिएगा। ये सपोर्ट मैं आपके को करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और ये मेरा वादा है, मेरे यूजर्स जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं हम सब आपके साथ है और आपका ये स्टूडियो हम अगले मंथ तक 100% रेडी करेंगे और एक बार फिर आप अपने ऑनलाइन सेटअप को चालू कर पाएंगे। थैंक यू सर, तो आशा करता हूँ आपकी प्रॉब्लम जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वो रिजोल्व कर पाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण जग गई है आपसे बात करके और आप एक बात, ये मेरा सौभाग्य है सर, और एक बात इस बात को अश्योर रहिए, अब आपके चैनल पर 1-to-1 काउंसलिंग मैं खुद करूंगा और ये हम सिद्ध करेंगे टीम के साथ में और मैं आपके साथ में काम करूंगा कि जो आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान का कई गुना मैं आपको दे पाऊं, ताकि जो आपने 2-3 दिन जो परेशानी उठाई है, सॉरी फॉर डिले, हमने आपको रिप्लाई भी बहुत लेट किया,
तो मैं उस बात के लिए भी माफी चाहता हूँ सर। मैं एक वीडियो में हूँ, मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ क्योंकि आप इसका सॉल्यूशन क्या है मैं वो अपने यूजर को बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो देखिए गूगल पे नंबर आपके सामने है, सपोर्ट जितना ज्यादा करिएगा, अगर आप कोई बड़ा सपोर्ट करते हैं तो जब भी आप मुझसे कोई प्रोडक्ट लेंगे उतना मैं फ्लैट आपको माइनस करके दूंगा, जो भी आपका कोटेशन बन के आएगा उसमें मैं आपको, अगर आप 5,000, 2,000, 3,000 करेंगे मैं उतना आपको माइनस करूंगा। मैं 1,00,000 तक का तो सोच के बैठा था कि मैं इतनी मदद करूंगा, जो मैं आप यहाँ पे कमिटमेंट दे चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसी का मनोबल टूट जाता है, मैंने लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं तो मुझे पता है कितना मुश्किल होती है ये सिचुएशन जब लाइफ में कुछ ऐसा दौर आता है। तो चलिए ये सारी बातें हो गई, सपोर्ट आपका हो गया, थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर आएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सपोर्ट करिएगा, मेरे से जितना बना मैंने वो किया। अब मैं आपको एक्चुअल में लेके चलता हूँ। देखिए अभी हमारा ऑफिस थोड़ा सा ना बड़ा अस्त व्यस्त है, बट मैं आपको बताता हूँ हम जल्द ही एक एक्सपीरियंस सेंटर की लॉन्चिंग करने वाले थे पर आज सिचुएशन ही ऐसी बनी कि मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग और अच्छा चकाचौन भरे स्टूडियो को दिखाने से बेहतर पहले आपको ये दिखाऊं कि कैसे आग लगने से बचाया जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेरे स्टूडियो में जहां पे मैंने प्रोटेक्शन क्या क्या लिया हुआ है। तो ये हमारा स्टूडियो है जहां पे अभी काम चल रहा है। राम, तो राम भाई आओ, मैं तुमको माइक भी दे देता हूँ। तो आज रेंडम हो रहा है राम थोड़ा सा, बट क्या है कि हमने हमारे स्टूडियो में लाइट का प्रिकॉशंस क्या क्या लिया है जी वो स्क्रैच से समझाओ। तो पहले मैं राम भाई के बारे में बता दूं, भारत में जहां भी हम स्टूडियो लगाते हैं तो रोहित भाई जो कैमरे के पीछे है मल्टीटास्किंग है बिल्कुल, और राम भाई मिलके अपनी टीम के साथ में सारे छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट पर डिस्कशन करके पूरा सेटअप करते हैं। तो राम मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी आज कि हमने इस स्टूडियो में 4 पैनल लगने वाले हैं, लाइटिंग है, टीम के सेटअप है, सब कुछ है, ये हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कहां से शुरू करना चाहिए। सर देखिए स्टूडियो तो पूरा रेडी हो चुका है, इलेक्ट्रिकल काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, हाँ। पर मैं चाहता हूँ सर स्टार्टिंग आपको बताऊं कि मैन पावर कहाँ से आता है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं रोहित भाई, एक बार अपन चलते हैं, मैं आपको मीटर की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली जो मेन हाई टेंशन लाइट से लाइट आती है वो डायरेक्टली मीटर में जाती है जी ना। फिर मीटर में जाने के बाद में हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक एमसीबी लगाया, एक एमसीबी लगाया 63 एम्पीयर का। देखिए एम्पीयर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिशियन बेहतर बता पाएगा, पर हमने ये क्यों लगाया हुआ है कि अगर इस मीटर से कोई फॉल्ट इस साइड से आ रहा है और या यहाँ से आ रहा है तो ये ट्रिप कर जाए, ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट की संभावना बनेगी तो ये बंद हो जाएगी। इसके बाद में हमने और सेकंड सेफ्टी लगाई है कि अगर किसी एक फेज से कोई प्रॉब्लम आए तो इसका फ्यूज डिफॉल्ट हो जाएगा, ये भी फ्यूज खराब हो जाएगा। तो एक सिंपल सी वायर होती है मेरे ख्याल तांबे की, पतला वाला वायर रहता है। तो बेसिकली मीटर से हमने प्रोटेक्शन लगाना चालू किया, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट की संभावना भी बनी तो सबसे पहले ये ट्रिप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी या फिर ये फ्यूज हो जाएगा। तो ये पहला प्रोटेक्शन तो हमने यहाँ पर लगाया। अब चलते हैं ऊपर। सेकेंड प्रोटेक्शन कहाँ पर है ना सर, ऊपर में एमसीबी दे रखा मैंने। अच्छा ये तो पैक है, चलो आ जाओ। तो ये इस लेडर की जरूरत पड़ेगी, आ जाओ लेडर साथ में उठा लेते हैं। अब देखिए ये जो स्टूडियो आप देख रहे हो ना, ये स्टूडियो की अनबॉक्सिंग में बाद में करूंगा बट आज इम्पोर्टेंट है। तो हमने वहां से जो वायर हमारे मीटर से आई है वहां पर क्या प्रोटेक्शन दिया हुआ है, पेंटिंग का काम चल रहा है। देखिए सर ये इसका मेन एमसीबी है जो नीचे से मीटर से पावर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहीं से पूरे ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पावर। जिसमें एक मैंने एमसीबी लगाया 63 एम्पीयर का, देन बाकी हर रूम का एक एमसीबी सेपरेट एमसीबी लगा हुआ है। तो ये एमसीबी बेसिकली अब मीटर से लेके इसके बीच में कोई फॉल्ट होगा या इधर से लेके इधर कुछ फॉल्ट होगा सर, इन केस अगर उधर से भी फॉल्ट हो रहा तो भी एमसीबी यहाँ की ट्रिप हो जाएगी, अगर इधर से भी हो रहा तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर भी एमसीबी लगाई है। सर देखिए अगर एग्जांपल देते हैं कि अगर इन केस कुछ अगर इस रूम में फॉल्ट होता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो देखिए सर ये एमसीबी ट्रिप हो गई तो यहाँ की पूरी लाइट बंद हो गई है, मतलब आप कनेक्शन टूट गया, बिल्कुल टूट गया सर। चलिए अभी तो चालू कर दो भाई, नहीं तो हमारा वीडियो अच्छा नहीं आएगा। एक तो ये सेकंड प्रोटेक्शन, अब और कुछ है इसके अलावा सर? इसके अलावा एक और प्रोटेक्शन दे रखा
कि सर रोज रोज सर अगर घर जा रहे शाम को स्टूडियो ऑफ क्लोज करके जा रहे हैं तो उस टाइम पे सर ऑफ करने इतनी ऊपर प्रॉब्लम रहेगा इनको, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि स्टूल लगाना लेडर लगाना ये प्रॉब्लम रहेगा, डेली इतना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं सेफ्टी के लिए एक और दे रखा है, नीचे में आप देख सकते हैं एक मॉडल एमसीबी दे रखा है, तो मैं इसको अगर ट्रिप कर दूंगा तो पूरा स्टूडियो बंद हो जाएगा। इसको भी ट्रिप करने से पूरा स्टूडियो बंद हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको बंद चालू कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर। तो ये मैं ये तो स्विच से भी कर सकता हूँ? स्विच से भी कर सकते हैं, पर इन केस सर अगर कुछ फॉल्ट रहे हाँ। तो स्विच से सर स्विच खराब हो सकता है, बट एमसीबी ट्रिप रहेगी तो आपको शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो मतलब देखिए स्विच बंद करने से भी काम चलता है, पर स्विच बंद करने के बाद में वो स्विच फॉल्ट कर सकता है, वहां पे आग लग सकती है। अगर एमसीबी में कोई होता है तो एमसीबी बिल्कुल कनेक्शन को ही कटआउट कर देती है, मतलब ये इसमें कनेक्शन बना रहता है पर यहाँ पे हट जाता है। तो ये हमारा ऐसा है, और ऐसा ही प्रोटेक्शन अपन ने हर रूम के लिए किया हुआ है, हर रूम के लिए। तो चलिए टूटा फूटा ही सही, पर ये हमारा ऑफिस भी देख लीजिए, तो एक हमने ये इस रूम के लिए लिया, राइट, और एक इस रूम के लिए लिया है। तो पूरी टीम लगी हुई है हमारे, जल्दी आपके सामने एक अच्छा वीडियो भी लेके आएंगे। तो ये हमारे रूम के लिए हमने कि अगर जाने से पहले हम इसको भी डाउन कर देते हैं। तो राम भाई, इसके अलावा और कोई प्रोटेक्शन आपको लगता है कि किस चीज से बचना चाहिए? नहीं सर, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि सफिशिएंट सर मैंने हर जगह दे दिया है कि इन केस अगर इस रूम के जाने के समय अगर एमसीबी ट्रिप करके जाए तो इसमें पावर सप्लाई पूरा कट ऑफ हो जाएगा, इतना खर्चा बढ़ जाता है राम। एग्जैक्टली, अगर हम ये सपोज एक स्टूडियो सेटअप में करवाना चाहे, एक छोटे से रूम में पूरे कनेक्शन को करवाना चाहे, तो क्या खर्चा बढ़ जाएगा? तो राम, मुझे अब जहां तक समझ में आ रहा है कि हमको एक मीटर पे एक लेवल पे एक एमसीबी चाहिए जी, एक होम लेवल पे एमसीबी चाहिए जी, और एक स्टूडियो लेवल पे एमसीबी चाहिए, तो तीन एमसीबी का अप्रोक्सीमेट खर्चा कितना होगा? सर एक एमसीबी अराउंड 1000 की आ जाती है, 3000 ही हो गया। यस, इसमें वायर की जरूरत पड़ेगी, वायर सर थोड़ा सा लग जाएगा मैक्सिमम, सर वायर का अगर टोटल सारा कॉस्ट अगर मिलाया जाए तो मैक्सिमम अप्रोक्स 10000 का खर्चा बैठ जाता है। 10000 के खर्चा स्टूडियो में, देखिए 10000 रुपए स्पेंड करके आप अपना पूरा स्टूडियो बचा सकते हैं। राम भाई थैंक यू सो मच। ये राम भाई हमको आप जब भी स्टूडियो सेटअप करवाएंगे तो राम से आपका, रोहित से आपका मिलना जरूर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनसे पूरा एक्सपर्ट एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि हम तो बात करके अलग हो जाते हैं मगर एंड लास्ट मोमेंट पे यही टीम है मेरी जो एक्चुअल में नॉलेजेबल वे में आप तक सपोर्ट करती है। थैंक यू राम। तो देखिए ये बात जो मैंने आपको बताई, इस बात को आप प्लीज समझिए, ये सुनने में तो बड़ा बेसिक सा लगता है, इसकी कोई नीड है या नहीं है ये भी हम जब हम काम करवाते सोचते नहीं है, बट ये तीन चार डिवाइस जब इंट्रोड्यूस होते हैं ना आपके सिस्टम में, इलेक्ट्रिक सिस्टम में, तो 100% इस टाइप की जो घटनाएं हैं उससे बचा जा सकता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आपके कोचिंग में, आपके ऑफिस में रखना ही पड़ेंगे, रखना ही चाहिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि आप उस समय थे, आपके सामने आग लग रही है, पर फिर भी आप आग रोक नहीं पाए। ये बहुत मतलब ये हो सकती है ना, ये बड़ी ऐसी स्थिति भी देखी है और होती है, तो इसलिए आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट अपनी कोचिंग में तो बिल्कुल रखना ही चाहिए। इसके अलावा आपको किसी और भी चीज पे कोई भी इनपुट चाहिए, आप प्लीज मुझसे कनेक्ट करें, मेरी टीम से कनेक्ट करें। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, सर का जो स्टूडियो सेटअप में लॉस हुआ है उससे हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देके अगर उस दुख को कम कर सकते हैं, हालांकि मेंटली भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता होगा ऐसी सिचुएशन में, आप कभी ना जाए, और आप कभी जाए भी तो मुझे याद करें, जितना मुझसे बनेगा, जैसा मैं सपोर्ट कर सकता हूं मैं बिल्कुल करूंगा। आशा करता हूं उस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपने इसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करा है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।